जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक फिर से है। क्यों? उसका कारण ये है कि आज मैं आपको ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा जिसको लोग, जिसका मतलब तो जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसको बोलते गलत हैं। हो सकता है, मैं इसलिए शुरू में ही आपको बता दे रहा हूं, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, आपको शुरू में ही मैं बता दे रहा हूं। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है आप मुझ पर गुस्सा भी हों कि सर क्या बता रहे हैं आज, लेकिन इसको आप क्लैरिफाई करने के लिए, इस पर आप विश्वास करने के लिए अगर आप चाहें तो डिक्शनरी उठा सकते हैं और आप उसमें इसको देखेंगे, आपको यही मिलेगा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्पेशली ऐसे वर्ड्स के साथ, यानी कॉमनली मिस प्रोनाउंस वर्ड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ऐसे वर्ड्स जिसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसका उच्चारण लोग गलत बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो वर्ड लेने जा रहा हूँ वो है गार्डियन। जी हाँ, आज का जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो है गार्डियन। क्या है ये? गार्डियन, इसको कहते हैं गार्डियन, न कि गार्जियन। आज भी अब हो सकता है आप वीडियो को देख रहे हों तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज भी यही पता होगा कि इसको गार्जियन कहते हैं, गार्जियन नहीं कहते मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, इसको गार्डियन कहते हैं, जिसका मतलब होता है अभिभावक। पीटीएम होता है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होता है, जब उसमें लोग जाते हैं तो गार्डियंस को बुलाया जाता है, तो लोग कहते हैं गार्जियन को बुलाया जाता है, नहीं, गार्जियन नहीं कहते उसको, गार्डियन कहते हैं, अभिभावक। हो सकता है आपको अटपटा लगे, हो सकता है आपको लग रहा हो नहीं ये तो मैंने कभी सुना नहीं, गार्डियन तो नहीं कहते, तो एक बार आप डिक्शनरी ज़रूर उठाइएगा, एक बार आपके पास अगर ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज हो तो ज़रूर देखिएगा उसमें क्या है, गार्जियन है या गार्डियन है। तो आई थिंक कि गार्डियन है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? गार्डियन, जिसका मतलब होता है अभिभावक। ठीक है, अभिभावक होता है, उसको गार्जियन नहीं कहते, तो आज के बाद आप कभी गार्जियन नहीं कहेंगे, आप उसको गार्डियन कहेंगे, ना कि गार्जियन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सजेशन। ध्यान दीजिए, इसको सजेशन नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? सजेशन नहीं कहते हैं। आज भी लोग कहते हैं भाई सजेशन मुझे मत दीजिए, थोड़ा मुझे सजेशन दीजिए या सजेशन मत दीजिए, सजेशन नहीं कहते उसको। भाई उसका सही प्रोनंसिएशन है क्या? उसका सही प्रोनंसिएशन है सजेशन। जी हाँ, जिसका मतलब क्या होता है? सुझाव। जिसका मतलब क्या होता है? सुझाव। तो इसको सजेशन नहीं कहते। आज के बाद आप लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों? सजेशन। क्या कहेंगे? सजेशन। तो आज के बाद जब भी बोलेंगे मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे? सजेशन, यस, न कि सजेशन। ठीक, तो इसको सजेशन कहते हैं, आज के बाद आप सजेशन बोलेंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, क्या कहते हैं? अगला वर्ड है हैंडसम। ठीक है, ज़्यादातर आज भी ध्यान देंगे आप, आज भी ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, क्योंकि डी के कारण, यहाँ पर एक वर्ड है क्या, डी, एक सॉरी लेटर है, एक लेटर डी है, तो हैंडसम कह देते हैं, हैंडसम नहीं कहते भाई, इसको हैंडसम कहते हैं। इसका सही प्रोनंसिएशन क्या है? हैंडसम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मेरे साथ एक बार बोलो, हैंडसम। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैंडसम, जिसका मतलब होता है सुंदर। और एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, हैंडसम आदमियों के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है, और लड़कियों के लिए, सुंदरता के लिए यूज़ होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक, तो कभी भी आप लड़कों के लिए ब्यूटीफुल मत कहिएगा, ठीक है, लड़कों के लिए हैंडसम और लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसे हैंडसम कहते हैं, न कि हैंडसम, हैंडसम नहीं कहेंगे, हैंडसम कहेंगे। तो आज के बाद इसको आप क्या बोलेंगे? हैंडसम। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप इसको भी। चलिए अगला देखते हैं, बुफे। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, स्पेशली शादी वादी में, स्पेशली कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी है या कोई सेलिब्रेशन है, तो कहते हैं भाई उनके यहाँ तो बफर सिस्टम था, गाँव में क्या कहते हैं, अरे बफर सिस्टम था, बलभर खाए खूब, बहुत बढ़िया था, ये था वो था, तो उसको बफर सिस्टम नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिए, उसे बुफे सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बुफे सिस्टम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, बुफे सिस्टम, फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बुफे सिस्टम। ठीक, इसे बुफ और बुफेट भी नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग में थोड़ा बोलने में, देखिए स्पेलिंग में तो आ रहा है बी यू एफ एफ ई टी, बुफेट, लेकिन बुफेट नहीं है ये, क्या है ये? बुफे, इसको क्या कहेंगे? बुफे, जिसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना या खुद से लेकर खाने की व्यवस्था।
जिसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना। और बुफे सिस्टम में यही तो होता है भाई, अपने से ही लेना है खाना पीना, पता लगा कोई खा रहा है पीछे से किसी को लगा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जितना खाया नहीं उतना बर्बाद कर लिया, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बुफे सिस्टम, न कि बफर सिस्टम, गाँव में कहते हैं भैया बम्फर सिस्टम। सो शब्दों का इस तरह से, मतलब शब्दों को इस तरह से तोड़ मड़ोड़ देते हैं, इस तरह से शब्दों को यूज़ करते हैं कि लगता है यार अंग्रेजी अंग्रेज नहीं पैदा किए, यानी ब्रिटेन से हम लोग नहीं सीखे बल्कि यहीं से शुरू हो रहा है, नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इसे बुफे कहते हैं, न कि बफर या बुफ एनी अदर, इट इज़ ओनली एंड ओनली बुफे। सो यू विल ऑलवेज प्रोनाउंस द सेम वर्ड बुफे, नॉट बुफेट और बफर, इट इज़ ओनली बुफे, ठीक। तो आज के बाद केवल बुफे। चलिए अगला देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डेट। जी हाँ, ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने में लग रहा है कि डेप्ट है क्या, नहीं, इसको बी का यहाँ उच्चारण नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इस यहाँ पर केवल और केवल डेट होगा। क्या कहेंगे इसको, डेट, जिसका मतलब क्या होता है, कर्ज। क्या होता है बच्चों, कर्ज, इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, कहते भाई बहुत डेप्ट में है, ही इज इन डेप्ट, वो बहुत कर्ज में है कोई, ध्यान दीजिए, इसको डेट पढ़ते हैं, कभी भी आप इसे डेप्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसको कहेंगे डेट। क्या कहेंगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, डेट, फिर से बोलेंगे, क्या कहेंगे, डेट, जिसका मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक, ठीक है। चलिए अब अगला जो वर्ड है इस पर थोड़ा हंसेंगे आप, मुझे भी हंसी आती है, हंसी इसलिए आती है कि बच्चे कभी कभी मजाक करते हैं क्लास में, ये है फोटोग्राफी, ध्यान दीजिए, इसको फोटोग्राफी नहीं कहते, ना तो फोटोग्राफी ना तो फोटोग्राफी, इसे फोटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हो सकता है आप हंस रहे होंगे, क्या बोलेंगे इसको, फोटोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोग्राफी, इसको फोटोग्राफी नहीं कहते हैं या फोटोग्राफी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, फोटोग्राफी। क्या कहते हैं, फोटोग्राफी, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, फोटो खींचने की कला। क्या होता है, फोटो खींचने की कला के होती है, इसको हिंदी में कहते हैं फोटो खींचने की कला, और इंग्लिश में बोलते हैं फोटोग्राफी। यस, आई लाइक फोटोग्राफी, यस माई फ्रेंड लाइक्स फोटोग्राफी, यस, तो फोटोग्राफी न कि फोटोग्राफी। तो आज के बाद आप इसको केवल और केवल क्या बोलेंगे, फोटोग्राफी। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, ध्यान दीजिए, इसीलिए आपके ज़्यादा अच्छी से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है फोटोग्राफी, ठीक है। तो आज के बाद आप यही बोलेंगे। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, अगला क्या है, रिसीट, ध्यान दीजिए, इसे रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं रिसीट, जिसका मतलब रसीद होता है। क्या है ये, रिसीट, रिसीप्ट नहीं होता है। जब आप स्कूल में फीस सबमिट करते हैं, फिर रिमिट करते हैं, जमा करते हैं, तो आपको बदले में फीस जमा करने के बाद क्या मिलता है, जो मिलता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, हिंदी में रसीद और इंग्लिश में रिसीट, रिसीप्ट नहीं कहते हैं। तो आज के बाद आप क्या बोलेंगे मेरे साथ, एक बार बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, रिसीट, एक बार फिर से बोलेंगे बच्चों मेरे साथ, क्या बोलेंगे, रिसीट। जी हाँ, इसको रिसीट बोलेंगे, जिसका मतलब होता है रसीद, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा आश्चर्यजनक घटना घट सकती है आपके साथ, चूँकि आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, मैं भी पढ़ता चला आया था, ये तो बाद में, चूँकि मैं टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, जो टीचर ऑफ सॉरी टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ, यानी इंग्लिश टीचर भी नहीं कह सकते, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहूँ इंग्लिश टीचर तो ये रॉन्ग होगा, यानी मुझे कहना होगा आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा चीज़ों को देखना पड़ा, तो वो पता चला कि नहीं यार, इसको बायोलॉजी नहीं कहते, इसको बायोलॉजी कहते हैं, ध्यान दीजिए, बायोलॉजी, क्या कहते हैं इसको, बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। तो आज के बाद अगर आप बोल रहे होंगे बायोलॉजी, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको क्या कहते हैं बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे, क्या कहते हैं, बायोलॉजी, हिंदी में भी मैंने लिखा है इसीलिए, क्या कहते हैं, एक बार फिर से बोलेंगे, बायोलॉजी, ठीक। तो मेरे बच्चों, इसको आपसे आज के बाद आप बोलेंगे बायोलॉजी, हो सकता है आपको विश्वास न हो, तो अगर विश्वास न हो तो एक बार करेंगे क्या, आप एक बार ऑक्सफर्ड डिक्शनरी खोलेंगे या कैम्ब्रिज डिक्शनरी, उसमें देखेंगे प्रोनंसिएशन क्या है, बायोलॉजी है या बायोलॉजी है, तो आपको मिलेगा कि बायोलॉजी है, तो इसको बायोलॉजी नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बायोलॉजी। तो आज के बाद आप इसको केवल और केवल बायोलॉजी बोलेंगे, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला जो वर्ड है उसमें भी आपको थोड़ा हंसी छूट सकता है, हंसी आ सकती है, मेरे कहने का मतलब आपको हंसी आएगी। सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो क्या लेते हैं भाई, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता भाई,
उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, उसको ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। आज के बाद आप ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मेरे साथ एक बार बोलिए, क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे एक बार फिर से बोलिए? ब्रेकफास्ट। यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट से ब्रेकफास्ट, यू विल से ओनली वन वर्ड, दैट इज व्हाट? ब्रेकफास्ट। यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल स्पीक ब्रेकफास्ट। यस, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। यस, अगला वर्ड क्या है? अगला देखते हैं। अगला जो है वो करियर, करियर और करियर। ध्यान दीजिए, आप र का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वैसे कर नहीं अगर करेंगे ज़्यादा बेटर है, और करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। कम ये देखिए, ये स्पोकन टर्म में चलता है, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में आप करियर करियर कह सकते हैं या करियर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैरियर नहीं कह सकते। यहाँ ए का मंत्र नहीं लगाएंगे, केवल कैरियर नहीं कहेंगे, कैरियर मतलब ढोने वाला हो जाएगा, सामान ले जाने वाला हो जाएगा। आप देखते होंगे ट्रक में आगे लिखा होता है गुड्स कैरियर, गुड्स माने सामान, कैरियर मतलब ढोने वाला, तो गुड्स कैरियर मतलब सामान ढोने वाला, तो आप इसे कैरियर नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे क्या? करियर। करियर और करियर, करियर और करियर, करियर और करियर, कैरियर नहीं कहेंगे, आय का मंत्रा नहीं लगाएंगे, आप ध्यान देंगे, तो इसको आज के बाद आप कैरियर नहीं कहेंगे, केवल और केवल क्या कहेंगे? करियर। क्या कहेंगे? करियर। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? करियर। क्या बोलेंगे बच्चों? करियर, ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? व्यवसाय या आजीविका। जिसका क्या मतलब होता है बच्चों? आजीविका या व्यवसाय, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है मेरे बच्चों, और चलते चलते एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बच्चों अगर आप लोग कुछ सीखे हैं तो कोशिश करिए वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और इसी तरह मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंस अगेन जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।